अच्छा, तो मैं फिल्म के रिव्यू में एक बात बताना तो भूल ही गया था, वो ये है कि इस फिल्म के ट्रेलर को आप मत देखना, क्योंकि इस फिल्म के जो मेन इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं सीन्स को इस फिल्म के ट्रेलर में डालकर आपका मजा खराब करने की कोशिश की गई होगी। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस फिल्म को देखना, अगर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे हो। तो अब शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने ये फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि आपको ये फिल्म देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं और सारी चीज़ें जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में आपको देखने को मिला क्या। और यहाँ पर इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला ऐड करने वाला हूँ ताकि आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको मूवी में देखने को ना मिले और फिर आप बोलो कि ये तो मैंने मूवी में देखा ही नहीं। तो यहाँ मैं अपने से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कहानी शुरू होती है जैक से, जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा उदास और टेंशन में है फिलहाल, क्योंकि अभी अभी उसको नौकरी से निकाला गया है, जिसके बारे में उसने अपने परिवार को कोई भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि वो अपने परिवार को दुखी या परेशान नहीं देखना चाहता था इस वजह से। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर लोरेन यानी कि उसकी वाइफ उसको ये बात बोलती है कि चलो ना कहीं घूमने चलते हैं और एक तरीके से हॉलीडेज वीकेशन पर निकल जाते हैं ताकि हम थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएं और एक तरीके से माइंड फ्रेश हो जाए हमारा। तो इसके लिए वो केनिया में एम्बोसली जो पार्क है वहाँ पर जाकर एंजॉय करने का या फिर एक तरीके से अपना वेकेशन मनाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर एक तो ऑलरेडी जेक बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो जाना नहीं चाहता था, पर लॉरेन जो कि एक तरीके से अपनी डायबिटीज़ की बीमारी से एक तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो उस वजह से जैक अपनी परेशानियां बताकर उसको और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो लॉरेल की बात पर मान जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके शहर दिमाग में हमेशा वही टेंशन और बाकी सारी चीज़ें भरी हुई रहती हैं। उसी वजह से जब वो सफ़र पर जा भी रहा होता है तो उसके अंदर एक टेंशन होता है जो कि लॉरेन को समझ तो आ जाता है, पर शायद उसे लगता है कि ये बस काम का ही प्रेशर है, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो उसकी फैमिली में कौन कौन लोग थे, एक तो जैक था, उसकी बीवी लॉरेन, उसकी बेटी जोई, इसके अलावा उसका बेटा नोवा और साथ ही साथ जोई का बॉयफ्रेंड बिली। तो ये सब लोग मिलकर उस जगह पर जाते हैं। सारी चीज़ें पहले से सेट हो रखी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो जैक है उसने काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि काफ़ी सारे पैसे बचा कर रखे थे ताकि वो इन सब का खर्चा उठा सके। लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली थी, तो इस वजह से वो चाहकर भी बहुत ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वो लोग वहाँ पर जाते हैं, एक रात आराम से गुजार लेते हैं, दूसरे दिन इधर उधर घूमने की प्लानिंग बनाते हैं यानी कि पार्क में जाने का, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैक की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी और उसी वजह से उसने एक मतलब जो घूमने वाला पैकेज था, सफारी पैकेज, उसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जिसके बाद उसकी बीवी जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती है कि चलो हमें भी घूमना चाहिए, लेकिन अब जबकि वो बता नहीं सकता इस सच्चाई की आखिर दरअसल बात क्या है, तो अब वो क्या ही करें। तो जिसके बाद वो किसी तरीके से मैनेज करके वहाँ पर जो एक इंसान होता है उससे बातचीत करता है कि कम से कम कीमत में कैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे बताता है कि आपको खुद ड्राइव करके जाना पड़ेगा, ना ही आपको कोई गार्ड मिलेगा, ना ही कोई गन्स मिलेंगी और ना ही प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कुछ होगा, बस आपको एक वैन मिलेगी, उसी में जाना है, खुद से जाकर वापस आना है अगर जिंदा बच पाए तो, और सही सलामत अपने सामान की खुद जिम्मेदारी है। तो जिसके बाद वो मान जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली थी। और ये बात एक तरीके से एक रात को लॉरेन को पता भी चल गई थी, उसी रात यानी कि पहली रात जब वो एंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, तो उसी दौरान उसके फ़ोन को देखकर उसने पता लगा लिया था कि इसको नौकरी से निकाल दिया गया है। पर अब जब आए गए हैं तो फिर घूमना फिरना तो बनता ही बनता है। अब यहाँ पर जैक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके बाद वो रिक्स लेकर अपने परिवार को लेकर निकल जाता है। जब चेक इन करने की बात आती है पार्क घुसने से पहले, तो
यहाँ पर उसको एक बार जेको बात ये समझ में आ जाते हैं कि शायद उनको अंदर जाने को ना मिले, क्योंकि ना ही उनके पास कोई गार्ड था, ना ही कोई गाइडेंस करने वाला था, ना ही उनके पास गन्स थी, ना ही प्रोटेक्शन के लिए कुछ और था। तो अगर वहाँ पर कोई उन्हें पकड़ लेता तो उन्हें शायद आगे जाने नहीं देता। और जेक को ऐसा लगता था कि यही हमारे पास एक वक्त है जहाँ पर वो अपने परिवार को खुश रख सकता है, उसके परिवार को एक अच्छा वेकेशन एंजॉय करवा सकता है, जिसके बाद वो एक रिक्स लेता है और बिना रजिस्ट्रेशन किए, बिना चेक इन किए वो उस पार्क में अंदर चला जाता है, जो कि वो सबसे बड़ी गलती करता है। जिसके बाद वो जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है कि यहाँ से उन्हें आगे जाना मना है। लेकिन जैक बोलता है कि जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तुम सबको, तो यहाँ मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट तो करके ही रहूँगा, तो यहाँ पर ये जो मज़ा है उनके लिए सज़ा बन जाती है। जिसके बाद वो चले तो जाते हैं और वहाँ पर नज़ारों का मज़ा लेते रहते हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया। और वहीं पर उन्हें एक हाइना भी नजर आता है, जहां पर पहले तो एक गार्ड ने उन्हें बता कर रखा था कि ये अगर अकेले रहें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये झुंड में आ जाए तब बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो वहां पर अकेलौता ही था तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है राइनो, और फिर वहां पर उसका एक बच्चा भी नजर आता है, लेकिन वो उसको सीरियसली लेते नहीं है, मजाक में लेते हैं। जिसके बाद वो ऐसे बीच में आ जाते हैं जहां पर राइनो और राइनो का बच्चा आ जाते हैं, जिसके बाद जो राइनो की माँ होती है वो गुस्से में पागल हो जाती है और उन पर हमला कर देती है। और थोड़ा बहुत बीच बचाव करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बच गए हैं, लेकिन वो दोबारा से आकर उन पर हमला कर देती है। और जिसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जैक को अपने उसके पैर पर बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और उनकी गाड़ी पूरी तरीके से पलट जाती है, और एक तरीके से उनके पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि वो क्या करें। अब वैन में रहने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। अब ना ही उन्होंने चेक इन किया था, ना ही उनके बारे में किसी को पता है, और ना ही कोई उनकी खोज खबर ले सकता है, क्योंकि जहाँ पर उन साइन बोर्ड लगा था उसका मतलब वहाँ से आगे जाना किसी को मना है, तो कोई वहाँ पर जाने वाला है नहीं, तो उन्हें कोई बचाएगा कैसे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जैक रिक्स लेकर बाहर जाकर मदद बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो लॉरेन है उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और